हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सबकी होली बहुत अच्छे से बीती होगी, खूब सारा एंजॉय किया होगा आप सबने। वीडियो है 21 मार्च का और सुबह की साफ़ सफाई मैंने करी है, किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी है। और ऐसा नहीं कि आज ही किया है, एक्चुअली ये डेली का ही काम होता है, मतलब किचन की साफ़ सफाई करना, प्लेटफॉर्म धोना, गैस साफ़ करना, ये कॉर्नर साफ़ करना, क्योंकि यहाँ पे मैं बर्तन की टोकरी रखती हूँ ना, तो पूरा क्लीन मुझे करना ही पड़ता है। पर आज सोचा कि मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि डेली का ही काम है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया है इसलिए मैं दिखा रही हूँ, डेली ही इतना मेरा काम होता है। और यहाँ पर मैंने बर्तन धोए हैं सारे, और बर्तन का ऐसा है कि किसी दिन कुछ बना लिया, जैसे रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड करना रहता है तो उस दिन ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं, तो उस हिसाब से बर्तन होते हैं। किसी दिन कुछ कम बना तो उस दिन कम बर्तन निकलते हैं। यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह भी निकाले थे, हालांकि ये डब्बे मेरे काम के नहीं हैं, मतलब ये प्लास्टिक के डब्बे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये रखे हुए थे और मैं फेंकती भी नहीं हूँ। रखा रखे ये गंदे हो जाते हैं और इस तरीके से मुझे साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करके सूखने रखा है और जहाँ से निकाला था वो जगह भी मैंने साफ़ करी। यहाँ पर हम जा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार, मतलब रिलायंस का जो स्मार्ट बाज़ार है वहाँ जा रहे हैं। और सडन प्लान बना, मैं ये बता सकती हूँ कि सडन प्लान बना। दीदी का फ़ोन आया जब मैं काम वाम कर रही थी, तभी फ़ोन आया कि चलो आज जाके आते हैं, क्योंकि होली पे जो थोड़ा बहुत बनाना है उसके लिए चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए। तो मैं बोली ठीक है चलते हैं, और मेरे फेस पे आप देख सकते हो कि थकान सी लग रही है, क्योंकि इतना सारा काम करोगे तो थकान तो लगनी ही है। और सुबह से उठ के एक्चुअली मैं लगी हुई थी, क्योंकि मेरा प्लान ही था कि मेरे साफ़ सफ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत जो है उसे ठीक करना है। तो छोटे छोटे डब्बे धोने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, और कुछ एक डब्बे तो मैंने रहने दिए थे जब दीदी का फ़ोन आया, तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि अचार वगैरह के डब्बे थे तो मैंने बहुत पुराने अचार हो गए थे तो अचार हटा दिया, और वो डब्बे मैंने ऐसे ही भिगो के रख दिया कि बाद में धो लूँगी। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, जो कि दीदी को ही लेना था। नहीं लिया था, होगा धूप भी होगा, ये अगरबत्तियाँ तो हैं यहाँ पे, ये रही धूप तो ये है ना अगरबत्ती। प्लास्टिक वाला देख के अच्छा लगता है पर काम का नहीं है। हाँ अच्छा लगता है लेने के लिए, पर वही के ले जाकर रखने का ये क्यों लेने का। छोटे छोटे 10-10 वाले देखे ना, 10 ही वाले होंगे मेरे ख्याल से। पतंजलि का बर्तन का होगा तो बर्तन का ही होगा ये भी। हाँ बर्तन का ही है, पर वो पुदीने वाला, इधर पुदीने वाला। एक्चुअली मुझे हंसी इस बात पे आई, और दीदी से भी मैंने बोला कि पहले नहाने के साबुन में ये सब चीज़ें होती थी, कि मतलब नीम का साबुन या फिर लेमन साबुन, इस तरीके का सैंडल साबुन, या फिर और भी चीज़ें थी ना, मतलब मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। पर पुदीना, पुदीना मैंने पहली बार देखा बर्तन धोने के साबुन में, मतलब नीम पुदीना। अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर इसकी सुगंध अच्छी होगी या फिर ये क्लीनिंग के लिए ज़्यादा पावरफुल होगा। हालांकि मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास विम के साबुन मेरे पास स्टॉक पड़े हैं और विम का ही लिक्विड भी मैं यूज़ करती हूँ। पर अब मेरा अगर ख़त्म होगा ना, विम बार अगर ख़त्म होगा, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी ये जानने के लिए कि ये है कैसा। वही बोल रही हूँ कि इधर नहीं होगा। कुकर वुकर का ये देखो, ये मस्त वाला 3 लीटर का है ये। हाँ, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। श्रुति है, श्रुति 1000 रुपये का तो सही है ना? तो सही है दीदी, 5 इयर्स वारंटी भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे पकड़ो तो हल्का है, एक तो आप ही पकड़ लो सामान मेरा, तो मैं देखूँ।
भारी है यार, देखो भारी है, हैवी है। शुरू से आपने फर्स्ट टाइम आए थे तभी भी यही था पता है? ना ना, ये तो मैंने पहली बार देखा। क्या? हाँ, शुरू से का ही था देखा। हैवी तले का है वैसे। अच्छा है यार, हैंडल का प्रॉब्लम है। हैवी है, वही तो बोल रही हूँ, हैवी है। ऐसा तले वाला अच्छा लगता है, छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। कितने का? 3 लीटर का ये। सही है। ना मेरा तो वो उसका है, क्या बोलते हैं, हॉकिंस का है, प्रेस्टीज का, प्रेस्टीज का। क्या हुआ? पीतल का चाहिए। वो बोले पीतल का ना मिले तो उसके नहीं। जब ऑप्शन है तो कंफर्म किया, पूछ के कल फोन कर दी। पहले मैं जीरो से भी सब ले जाऊंगी, ये वाली वाली ना क्या, जब कल जब तक पैसा ऐसा लग गया तो ठीक है, सामान भी ले जाऊँ, एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाऊँ, तो एक्स्ट्रा के लिए आना होता नहीं है। पैदान अच्छा है, 149 का वो पैदान बढ़िया है, मस्त पैदान है। ये वाला नहीं? हाँ, ये मेन डोर के लिए सही रहता है। हाँ, बहुत अच्छा है, मेन डोर पे डालो तो सही रहता है। ग्रीन कलर का ले जाओ तो और अच्छा। मैं तो इन्हीं को इसमें से ये लेता हूँ। वो अंदर के लिए, ये सारे बेड के नीचे ना? ना ना, बेड पर यार, बेड के नीचे नहीं, जैसे अपने अंदर यूज़ करते हैं ना डोरमेट वगैरह, तो ये वाला सही रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जैसे बाथरूम के आगे हो गया। अच्छा, एक दूसरे के रूम अपने रखते हैं ना, जहर दरवाजे अंदर रहते हैं। हाँ, तो ना मेरा तो है ही ना दीदी, मेरा तो इधर रखना ही पड़ता है ना, डोरमेट तो है, रखना ही पड़ता है। तो वो सब के लिए सही है, बाकी ये जो है ना मेन डोर के लिए, लेना मेन डोर के लिए ग्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें ब्लू भी है, देखो मेरे को ग्रीन लेना है। अंदर होगा ग्रीन, लेना है तो निकाल दो, देखना पड़ेगा, ये किसी को बोलना पड़ेगा, इनको बोलो निकाल दो। भैया ग्रीन है क्या ये? इसमें आप कलर निकाल सकते हो, ग्रीन कलर का, इसमें सारे कलर दिख रहे हैं वैसे। नहीं है, आप एक बार चेक कर लो। ग्रीन ही लूंगी। हाँ, मैं एक्चुअली हैवी है ना, तो वो हो भी नहीं रहेगा। ग्रीन कलर नीचे भी है, वही नीचे भी रखना है। ग्रीन कलर नहीं, और रेड और ब्लू क्रीम भी रख, मैंने क्रीम अच्छा नहीं लगता वैसे। ग्रीन कलर, क्रीम कलर है ये रखा है, ये देखा मैंने, यहाँ पे क्रीम कलर है। क्रीम कलर, हाँ ये देखो, हाँ क्रीम कलर, ब्लू भी रख सकते हैं। ये तो चुभता है यार बहुत ज़्यादा, ये चाहिए, ये ग्रीन में है। उसमें का नहीं है पर वो अच्छा लग रहा है। ये सारे डब्बे ना देखने में यहाँ ही अच्छे लगते हैं, घर पे ले जाने के बाद नहीं अच्छे लगते ये। हाँ तो सही बात है। आ जाओ इधर, जब इधर अपने काम का चीज़ नहीं है तो इधर कुछ मिल जाएगा शायद।
कर देख रही हो बाबू के लिए। मॉल वगैरह जाने में यही फ़ायदा होता है कि एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे आपको सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी ही चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाता है, आपको मार्केट में भटकना नहीं पड़ता। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ही चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने कैप्चर किया है, कोशिश करी है कि आप सबको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें मतलब कपड़े लत्ते भी हैं, सारी ही चीज़ें हैं। तो आपको भटकना नहीं पड़ता मार्केट में कि एक एक चीज़ों के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी जगह पे जाते हैं तो फिर हम सोच के जाते हैं कि एक ये इतनी चीज़ें लेनी है, पर उसमें से एक आध चीज़ें बढ़ी जाती हैं। एक्चुअली मेरे साथ पहले ऐसे बहुत होता था कि मैं सोच के जाती थी तो उससे ज़्यादा ही ले लेती थी, पर अभी ऐसा है कि बहुत सोच समझ के चीज़ें मैं लेती हूँ क्योंकि फिर यूज़ में नहीं होता और अच्छे लगने की वजह से हम ले लेते हैं, फिर वो चीज़ें रखी रहती हैं। पर अभी मैं जो चीज़ें लेती हूँ काफ़ी सोच समझ के लेती हूँ कि सही में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि फिर आँखों को अच्छा लगे और ले लो फिर घर पे लाओ यूज़ ना हो रखा रहता है, तो इसी वजह से काफ़ी सोच समझ के चीज़ें मैं लेती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं घूम रही थी बाबू का निक्कर ढूंढ रही थी कि मिल जाता तो सही होता, पर नहीं मिला और जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला, यानी तो कॉटन में नहीं था और बच्चों के कपड़े थे तो वो कुछ ज़्यादा मुझे खास लगे नहीं, मतलब अजीब से ही थे कलर में, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे ये ट्रॉली बैग है तो वही हम लोग देख रहे थे, दीदी भी देख रहे थे, उनको गांव जाना है दीदी को, तो वही देख रहे थे कि कुछ पसंद आ जाए, मतलब छोटा सा चाहिए ऐसा करके। वही मैं दिखा रही थी कि आगे जो हैं वो मतलब सेट में थे, दो के सेट में थे और उस हिसाब से उसका प्राइस भी था। यहाँ पे बैग्स हैं और कैटल्स भी हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैटल्स जो आते हैं, तो ये अलग अलग कैपेसिटी के हैं और अलग अलग ब्रांड के भी हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। और दीदी वही दिखा रहे थे कि मुझे चाहिए था पर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब गए थे तो फिर नीचे से ही आ गए थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे सारी चीज़ें फूड आइटम है तो वहाँ से ही हम लोग आ गए थे, सेकंड फ्लोर पे नहीं गए थे, तो हमें पता नहीं लगा था कि ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर हैं। तो उनको ज़रूरत थी क्योंकि उनकी लड़की आई हुई थी तो बच्चा छोटा है, दूध बनाना वगैरह रहता है तो ज़रूरत होती ही है, बार बार गैस पर पानी गर्म करो नहीं ये सब, तो फिर उन्होंने मंगाया ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, घर बैठे चीज़ें मंगा लो वो भी एक अच्छी बात है। इस साइड में है मिक्सर ग्राइंडर जो कि अलग अलग रेंज के हैं और अलग अलग ब्रांड के भी हैं, कितना कलरफुल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बस ले ही लो। जब ऐसी जगह पर जाते हो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि घर में है चीज़ें फिर भी ऐसा लगता है कि बस अगर नहीं होता तो ले लेते। और जो अभी दिखाया मैंने उस साइड में था माइक्रोवेव, और बस हम नीचे को जा रहे हैं, नीचे उतरेंगे, सेकंड फ्लोर पे थे हम। देखना है सेक्शन गए तो फिर चल नीचे चला जाए संचय। ना ना किराने में कहाँ रहेगा, ऊपर से लेके ला लो, रखो 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 जल्दी, 2 किलो तो शायद आपका यही है पाउडर ही है ना, इसलिए थकान ज़्यादा लग रही है। यहाँ से लिया था मैं, बोल रही हूँ तो आप उधर नहीं नहीं हो, मैं बोल रही दिख रहा है सामने, दे दो रख दो तो आप उधर लेके चले गए। वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर, हाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उस साइड से चलते आ जाओ लाओ।
एक्चुअली मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, मैं दीदी के साथ में गई थी क्योंकि मुझे भी जब ज़रूरत होती है कहीं जाना होता है तो मैं दीदी को कॉल करती हूँ और दीदी तैयार हो जाती हैं। वैसे भी हम लोग कहीं जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, मतलब ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ में जाती हूँ ना तो हस्बैंड बहुत जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी करो इस चक्कर में ना हम फिर चीज़ें देख नहीं पाते। और हमारी ऐसी आदत है कि लेना होता है दो चीज़ पर देखते हम दस हैं, तो इसी चक्कर में फिर मैं हस्बैंड के साथ में नहीं जाती हूँ। और हम लोग जब जाते हैं तो दोपहर के टाइम में ही जाते हैं, जबकि अच्छा खासा टाइम हमारे पास होता है, तो चीज़ें देखते हैं समझते हैं उसके बाद में लेते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने एक ही ट्रॉली ली थी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था और दीदी को भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, तो एक ही ट्रॉली में हमने सामान रख लिया था और उसके बाद में काउंटर पे जाके अलग अलग हमने बिलिंग करवा ली थी। तो यहाँ पे वही चीज़ें देख रहे थे, मुझे एक्चुअली हींग लेना था पर जिस ब्रांड का लेना था वो मिला नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, डी मार्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, जैसे डी मार्ट में हर एक चीज़ मिल जाती है आपको, हर एक ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं, पर यहाँ स्मार्ट बाज़ार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है ही नहीं, तो फिर वो जो ब्रांड का मैं हींग यूज़ करती हूँ वो था नहीं तो लिया नहीं, तो यही होता है। फिर वही दीदी बोल रहे थे कि इससे अच्छा कि अपने डी मार्ट चले जाते, पर डी मार्ट थोड़ा सा हमारे घर से दूर पड़ता है, मतलब ये जो स्मार्ट बाज़ार है इससे थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलो दोपहर का टाइम है फटाफट जाके आ जाएंगे। और फिर युवराज को भी आना था स्कूल से 5 बजे, वो आ जाते हैं 5:15 बजे तक, तो उससे पहले हमें घर भी लौटना था, तो इसी वजह से फिर हम जो पास में था बस वहीं गए कि चलो ठीक है यहाँ से हम जो चीज़ें हैं मिल जाएंगी ले लेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, साथ में अपनों का भी ख्याल रखिए और साथ में पक्षियों का भी ख्याल रखें। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पानी वगैरह ज़रूर रखें पक्षियों के लिए, जहाँ भी पॉसिबल हो, मतलब बालकनी में, छत पे, जहाँ भी आपको लगे कि रखा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।